सुन लीजिए बेटा, क्या है इसमें? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, मास एम, टोटल चार्ज स्मॉल क्यू, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की है, इसके अबाउट फ्री टू रोटेट है, स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, आपने प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी का ऑन कर दिया है आपने, ठीक है, तो आपको बताना है कि ऑन करने के बाद ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। तो इसमें एक नॉन कंडक्टिंग है तो करंट नहीं चला रहा है, कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा क्योंकि आप फील्ड चेंज कर रहे हैं, वो केवल इस पर फोर्स लगा है, और डायरेक्शन भी पता है आपको कैसे लगा है, ठीक है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में पैदा होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कितना पैदा होगा आप लिखिए उसकी इक्वेशन, लाइन इंटीग्रल ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है आपका, डी फाई बाई डी टी होता है, तो सब यूनिफॉर्म है, आर रेडियस स्मॉल आर दे रखी है, यही लिख रहा हूँ इसी को, तो ये तो ई इंटू टू पाई आर आ जाएगा। डी बी बाई डी टी का क्या मतलब है, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है डी बी बाई डी टी, तो आप इसमें से पाई तो काट दीजिए, ई कितना आएगा आपका, आर बाई टू डी बी बाई डी टी आ रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऑन करेंगे, इस पर लाइन इंटीग्रल करेंगे इस पर पूरे पर आर रेडियस पर, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, आर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप यूज़ क्या करेंगे, अब इम्पल्स लगाए बेटा एकदम से इस पर, क्योंकि बी जैसे ही कॉन्स्टेंट हो गया फील्ड एक बार ऑन होने के बाद, 0 से बी इंक्रीज हुआ है, इस इंटरवल में हुआ है जो कुछ हुआ है, बहुत शॉर्ट इंटरवल है, तो एकदम से झटका लगाया इसको, ठीक है ना। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा तो कुछ भी होना बंद हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको एक जो झटका लगा इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसमें आप करिए इम्पल्सिव टॉर्क लिखिए, वो आई ओमेगा होता है, ठीक है ना, जे टाउ क्या होता है, आई ओमेगा, जे टाउ क्या होता है, टॉर्क का इम्पल्स, तो फोर्स कैसा लग रहा है, क्यू इंटू ई लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप वो पूरा डी क्यू एलिमेंट पे देख लीजिए, आप डी क्यू एलिमेंट पे डी क्यू इंटू ई है, फील्ड सब जगह सेम है, इंटू आर, ये क्या हो गया आपका डी क्यू एलिमेंट का टॉर्क हो गया, तो इंटीग्रेट कर दें इसको, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एम आर स्क्वायर। अब देखिए आप इसमें डी क्यू जो होगा आपका, ई सब जगह सेम होगा इसमें पूरी रिंग के ऊपर, ये बेसिकली इंटीग्रेशन डी क्यू क्या बन जाएगा, चार्ज ही बन जाएगा। तो इम्पल्स क्या होता है ये भी देख लीजिए एक बार, इंटीग्रेशन टाउ डी टी होता है आईओ में, तो यहाँ पर एक डी टी का फैक्टर आ रहा है, तो ई आर डी टी बाहर आ जाएगा, ये आपका टोटल चार्ज आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, ऐसे आ जाएगा। अब ये जो ई डी टी का इंटीग्रेशन, यार ई तो डेवलप हुआ है ना, इंटीग्रेशन डी क्यू को आप कैसे बाहर निकालें, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये कांस्टेंट है, डी क्यू इंटू आर टोटल टॉर्क लिखिए आप इसका अलग से, तो आप क्या लिख देंगे, क्यू ई इंटू आर ही लिख देंगे ना, डी क्यू इंटू ई इंटू आर उस इंस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, क्यू आर इंटीग्रेशन ई डी टी इक्वस टू एम ओमेगा आर स्क्वायर बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन ई डी टी आप यहाँ से लिख दीजिए चलो, ठीक है ना, ई डी टी क्या हो जाएगा आपका, ई डी टी, ई डी टी आ जाएगा आपका आर बाई टू इंटू डेल्टा बी आ जाएगा, ई डी टी आ जाएगा आर बाई टू इंटू डी, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, अब इंटीग्रेशन लगाइए मत लगाइए वो सेम चीज, ये आपका आ जाएगा बी आर बाई टू, बी आर बाई टू इक्वस टू एम ओमेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया यहाँ से, ठीक है, आर स्क्वायर कट गया आपका, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, क्यू बी बाई टू एम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत लार्ज चेंज हो गया बेटा, ई डी टी आपने इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी टी इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इंटीग्रेशन डी बी करके, तो डी बी रहने दीजिए, इंटीग्रेशन डी बी ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। तो ई डी टी की वैल्यू आपने आर बाई टू इंटू बी लिख दी, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, क्यू बी बाई टू एम आ जाएगी,
यहाँ तक किसी को दिक्कत हो बताइए।